हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने अपने अप्रैल 2021 के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे अप्रैल 2021 के। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस से रिलेटेड। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स दैट हैव बीन अडॉप्टेड बाय द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। कोडेक्स प्रोविजंस कंसर्न दी हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड इंक्लूडिंग माइक्रोबायोलॉजिकल नॉर्म्स, फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स एंड वेटरिनरी ड्रग रेजिड्यूज। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है और हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगैन हमारा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन से रिलेटेड है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टैब्लिश जॉइंटली बाई द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1963। द सेक्रेटेरिएट ऑफ द CAC इज होस्टेड एट FAO, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इन रोम। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट पूछी गई है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड। ASF इज अ हाईली कंटेजियस एंड फेटल एनिमल डिजीज दैट इन्फेक्ट्स डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स, टिपिकली रिजल्टिंग इन एन एक्यूट फॉर्म ऑफ हेमरेक फीवर। बिल्कुल करेक्ट है। ASF इज अ थ्रेट टू ह्यूमन बींग सिंस इट स्प्रेड्स ओनली स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। नहीं, ये ह्यूमन बींग्स के लिए एज सच इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं है। ये कहना गलत होगा कि बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत थ्रेट है, लेकिन वो क्या है, बहुत रेयर केसेस में है। अदरवाइज ये एनिमल टू एनिमल ही ज़्यादातर ट्रांसफर होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वामित्व योजना से रिलेटेड। द स्कीम seeks to map residential land ownership in the rural sector using modern technology like the use of drones. This scheme launched on Panchayati Raj Divas April 24, 2020. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑन केमिकल वेपन्स। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश बाई द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इन 1997। द OPCW इज ऑथोराइज टू परफॉर्म इंस्पेक्शंस टू वेरीफाई दैट सिग्नेटरी स्टेट्स आर कंप्लाइंग विद द कन्वेंशन। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थ डे से रिलेटेड। सो अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 22 एवरी ईयर। बिल्कुल करेक्ट है। और इस साल की थीम क्या थी, मतलब 2021 की थीम क्या थी अर्थ डे की, इज रीस्टोर आर अर्थ। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछी गई है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी नरसिम्हम कमेटी से रिलेटेड, कि नरसिम्हम कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो नरसिम्हम कमेटी हमारी रिलेटेड है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा KRI नंगला सबमरीन रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो ये है हमारी इंडोनेशिया कंट्री से रिलेटेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायरसेस म्यूटेशन से रिलेटेड। अ म्यूटेशन जस्ट मीन्स अ डिफरेंस, अ लेटर चेंज इन द जीनोम, मतलब कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। म्यूटेशन इन वायरसेस आर आर्टिफिशियल पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। नहीं, म्यूटेशंस नेचुरली भी होती हैं, नेचुरल पार्ट होता है म्यूटेशन इवोल्यूशन का। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए, ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छाड़ से रिलेटेड। इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड इन अफ्रीका। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गायत्री मंत्र से रिलेटेड। महर्षि विश्वामित्र हैड क्रिएटेड द गायत्री मंत्र। बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ अ हाईली रिवर्ड मंत्र फ्रॉम द साम वेद डेडिकेटेड टू सावित्र ऑल्सो नोन एज वेद माता। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1, क्योंकि हमारी सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मंत्र सामवेद से नहीं बल्कि ऋग्वेद से लिया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तंजानिया से रिलेटेड। सो माउंट किलिमंजारो अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन इज लोकेटेड इन तंजानिया। तंजानिया इज अ कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका विद इन द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई है, इनकरेक्ट, गलत कथन कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्स ओडिसी स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्पेसक्राफ्ट स्टिल वर्किंग ऑन द रेड प्लैनेट
at the red planet. It was sent to map the composition of Mars in 2001. The most complete global maps of Mars were made using Odyssey's infrared camera called the Thermal Emission Imaging System or THEMIS. तो इस क्वेश्चन में मैं क्या बतानी है कि इन तीनों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से गलत कौन सी है. तो हमारे यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड से रिलेटेड. सो हाइड्रोजन सल्फाइड इज द प्राइमरी गैस प्रोड्यूस फ्रॉम द माइक्रोबियल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ पॉइजनस कोरोसिव एंड फ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस फ्रॉम स्वैम्प्स एंड सीवर्स. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विराफिन से रिलेटेड. विराफिन इज अ पिगाइलेटेड इंटरफेरन अल्फा 2b व्हिच व्हेन सबक्यूटेनियसली इंजेक्टेड टू द पेशेंट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन. द क्लिनिकल ट्रायल्स हैव कन्फर्म्ड द सेफ्टी टॉलरेबिलिटी एंड एफिकेसी ऑफ विराफिन. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI से रिलेटेड. इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स अंडर द ओनरशिप ऑफ RBI इन इंडिया. बिल्कुल सही है. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन लखनऊ. नो, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत है. क्यों? क्योंकि ये लखनऊ में नहीं बल्कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली टू, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रेंड्स इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर. तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, सिप्री. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पुतनिक वी किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो स्पुतनिक वी को डेवलप किया है रशिया ने. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड. इट शेल कनेक्ट कनीनाली इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट एंड तालाचाओ इन केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा अंडर द सागरमाला इनिशिएटिव. रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट शैल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर महानदी इन उड़ीसा. तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है, हमें यहाँ पे बतानी है इनकरेक्ट, गलत कथन कौन सा. तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, हमारी स्टेटमेंट टू. तुम्हारा आंसर है ऑप्शन बी, ओनली टू. अब सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिवर गलत दे रखी है, रिवर महानदी नहीं बल्कि रिवर धामरा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदित्य L1 सपोर्ट सेंटर से रिलेटेड. इट विल कैरी 10 पेलोड्स. नहीं, इट विल कैरी 7 पेलोड्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है. देयर विल बी अ नीड फॉर अ ग्राउंड सपोर्ट सेंटर टू मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट द वर्क ऑन इट्स वेरियस पेलोड्स. तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओनली वन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोल गैसिफिकेशन. कोल गैसिफिकेशन किस किस कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर है? तो कोल गैसिफिकेशन हमारा मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस एंड वाटर वेपर. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है जूरोंग क्या है, जो जूरोंग हमें टर्म देखने को मिलती है. तो इट इज चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर, फर्स्ट रॉकेट टू रन ऑन बायोफ्यूल, लॉन्च व्हीकल सुटेड फॉर स्टूडेंट एंड बजट पेलोड्स और नन ऑफ दी अबव. तो हमारा आंसर क्या है, जूरोंग क्या है, चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तियानवेन 1 से रिलेटेड. सो ये क्या है, ये सऊदी अरेबिया का फर्स्ट मार्स प्रोब है? नहीं, ये सऊदी अरेबिया का नहीं है, ये तियानवेन 1 चाइना का मार्स प्रोब है. द स्पेसक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर. बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिक्विड ऑक्सीजन से रिलेटेड. इट इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन. लिक्विड ऑक्सीजन हैज अ पेल ब्लू कलर एंड इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक. तुम्हारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसेंटली विच वन ऑफ द फ्लोइंग लॉन्च्ड सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स टेक्नोलॉजी. तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स टेक्नोलॉजी? तो ये की है DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DRDO. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स. तो ये चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो ये किया गया है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा. सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्ट दंतक से रिलेटेड. तो प्रोजेक्ट दंतक, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन April 24, 1961 इन बांग्लादेश एंड BRO बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट.
तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली टू। ऑप्शन बी क्यों होगा? क्योंकि हमारी स्टेटमेंट वन गलत है, क्योंकि ये जो दंतक है प्रोजेक्ट दंतक, ये एस्टैब्लिश किया गया बांग्लादेश में नहीं बल्कि भूटान में, तो इसलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ये प्रोजेक्ट किसका इनिशिएटिव है? तो ये प्रोजेक्ट है इनिशिएटिव हमारा इंडियन आर्मी का, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएम केयर्स फंड, सो इट वाज अ चैरिटेबल सेटअप एज अ चैरिटेबल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विद अ ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड फॉर कोविड 19। ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कहता कि कोविड 19 के लिए है, लेकिन हाँ ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे सेटअप किया गया था। इट कैन अवेल डोनेशंस फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस एंड डोनेशंस टू फंड कैन आल्सो अवेल 100% टैक्स एग्जेम्पशन। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीप टाइम प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इट्स एम वॉज टू इन्वेस्टिगेट हाउ पीपल एडजस्ट टू ड्रामेटिक चेंजेस इन देयर लिविंग कंडीशंस एंड एनवायरमेंट्स। इट वॉज लॉन्च इन इंडोनेशिया। तो हमारी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली वन, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि इंडोनेशिया के द्वारा नहीं बल्कि फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम से रिलेटेड। तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम हमें न्यूज़ में देखने को मिलती है, किस चीज़ के रिगार्डिंग हमें देखने को मिलती है न्यूज़ में? तो ये हमें देखने को मिलती है परंपरागत कृषि विकास योजना के द्वारा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पायरासोल से रिलेटेड। तो प्रोजेक्ट पायरासोल क्या है? इट इज रिलेटेड टू द वेटलैंड कंजर्वेशन। द प्रोजेक्ट विल अल्टीमेटली लीड टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर द जॉइंट प्रोसेसिंग ऑफ फाइब्रस ऑर्गेनिक वेस्ट एंड सेवेज स्लज ऑफ इंडियन स्मार्ट सिटीज। तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली टू, क्योंकि ये वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है बल्कि ऑर्गेनिक वेस्ट या सीवेज स्लज जो है उससे रिलेटेड है, उसको सही करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सो द SCRI एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना एमिड अ लाइक्लीहुड ऑफ रिटर्निंग ऑफ सप्लाई चेन्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन एमिड द कोविड 19 पैंडेमिक। बिल्कुल करेक्ट है, इट इज जॉइंटली लॉन्च बाय द US, इंडिया, रशिया एंड जापान। नहीं, ये जॉइंटली लॉन्च किया गया है इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, तो हमारे यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 223 से रिलेटेड। तो आर्टिकल 223 हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है कई बार, किस वजह से देखने को मिलता है आर्टिकल 223? तो आर्टिकल 223 क्या बताता है? कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स, अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट, मेजर्स टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो आर्टिकल 223 हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिव चीफ जस्टिस, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिप्री से रिलेटेड। द स्वीडन बेस्ड सिप्री इज एन इंडिपेंडेंट रिसर्च इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्ममेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट। इंडिया रैंक थर्ड इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर आफ्टर द US एंड चाइना। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमन राइट्स वॉच से रिलेटेड। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन जेनेवा ऑन ह्यूमन राइट्स। इट पॉइंटेड टू मेजर्स इंक्लूडिंग मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस, लैंड कन्फिस्केशन, फॉर्सिबल पॉपुलेशन ट्रांसफर, डिनाइल ऑफ रेजिडेंसी राइट्स एंड सस्पेंशन ऑफ सिविल राइट्स। तो हमारे यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड। इट इज अमंग द हैवीएस्ट ऑफ द फ्लाइंग ऑमनिवोरस बर्ड। इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑफ इंडिया। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली वन एंड थ्री, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि IUCN की रेड लिस्ट में इसको हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एंडेंजर्ड है, लेकिन ये एंडेंजर्ड नहीं बल्कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैनो स्निफर से रिलेटेड। सो इट इज अ माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर। बिल्कुल करेक्ट है, इट कैन डिटेक्ट एक्सप्लोजिव्स इन लेस देन 10 सेकंड्स। करेक्ट है, इट हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय DRDO। नहीं, इसको DRDO के द्वारा नहीं बल्कि नैनो स्टिफ टेक्नोलॉजी ही है एक, उसी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डूम्सडे ग्लेशियर से रिलेटेड। सो इट इज लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। The melting of this glacier has long been a cause
high potential of speeding up the global sea level rise happening due to climate change. तो हमारा यहाँ पे क्या है, दोनों इस ही statements हमारी करेक्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट कौन सी है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रुसेल लॉसेस से रिलेटेड. ब्रुसेल लॉसेस इज अ जूनोटिक इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया ऑफ द जीनस ब्रुसेला. बिल्कुल करेक्ट है. द बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल. ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये ह्यूमन्स टू एनिमल या एनिमल टू ह्यूमन्स ट्रांसफर होता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओनली वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडवांस्ड एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम AAMS से रिलेटेड. द AAMS इज अ सॉफ्टवेयर ड्रिवन ऑटोमेटेड स्टोरेज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स. इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट. तो मैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली वन. सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों है, क्योंकि इसको राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बल्कि गोवा गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, गोवा सरकार के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मॉक्सी से रिलेटेड. मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स और यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस 5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन मार्शियन एटमॉस्फेयर. बिल्कुल करेक्ट है. इट इज़ लाइक अ ट्री ऑन अर्थ. मॉक्सी इनहेल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल्स ऑक्सीजन. तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कमर्शियल क्रू प्रोग्राम समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू. तो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है, वो है हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड. तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ये किसके अंडर कंट्रोल करती, किसके कंट्रोल के अंदर ये फंक्शन करते हैं, मतलब काम किसके अंडर करती है. तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, काम रक्षा मंत्रालय के अंदर. तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डोजेकॉइन क्रिप्टो करेंसी. तो ये जो डोजेकॉइन क्रिप्टो करेंसी है ये स्टार्ट की गई थी 2018 में और इट क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बिली मार्कस एंड जैक्सन पामर. तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली टू, क्योंकि ये 2018 में नहीं बल्कि 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यू वैक्सीन प्रोडक्शन दैट इन्वेंटेड बाय डॉक्टर स्टीवन एल जीचनर of the University of Virginia Health System. The vaccine targets a part of the virus spike protein called the fusion peptide. This can instruct the immune system how to mount an immune response against the virus. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली इसरो हैज अनाउंस्ड दैट इट विल सपोर्ट 8 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स मूटेड बाय द स्पेस टेक्नोलॉजी सेल 2. मतलब अब ये किसको दे रही है, ये जो 8 जॉइंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रही है तो ये किसको दे रही है, तो आंसर क्या है हमारा IIT दिल्ली, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी लाइसेंसिंग से रिलेटेड. तो कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है, इट इज़ अ लाइसेंस इशूड और ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट दैट अलाउज द कंपनी और इंडिविजुअल सीकिंग अदर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू यूज इट. बिल्कुल करेक्ट है. द एप्लीकेशन फॉर अ कंपल्सरी लाइसेंस कैन बी मेड एनी टाइम आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सीलिंग ऑफ अ पेटेंट. नहीं, ये कंपल्सरी लाइसेंस क्या है, पेटेंट की सीलिंग से 5 साल के बाद नहीं बल्कि 3 साल के बाद ही क्या की जा सकती है, एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए. तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली वन. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर अप्रैल 2021. सो इट इज़ ये क्वेश्चन है हमारा प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड. इट इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज टू सेपरेट सम गैस स्पीशीज फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ गैसेज अंडर प्रेशर अकॉर्डिंग टू स्पीशीज मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एफिनिटी फॉर एन एब्जॉर्बेंट मटीरियल. बिल्कुल करेक्ट है. इट ऑपरेट्स एट नियर एम्बियंट प्रेशर एंड डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्निक्स ऑफ गैस सेपरेशन. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए ओनली वन. अब सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से, एक वर्ड की वजह से. अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ पे इसको नियर एम्बियंट प्रेशर देख के सब राइट मार्क कर देंगे, लेकिन ये नियर एम्बियंट प्रेशर नहीं बल्कि नियर एम्बियंट टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट करता है. तो हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली वन. तो ये थे गाइस हमारे आज के 50 क्वेश्चंस. अब हमारा अप्रैल का MCQ 2021 कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मई 2021 के MCQs. सो आई होप गाइस आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा. इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा.
और साथ ही साथ अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।